तो नेपोटिज्म। प्राकृतिक आपदा है, कौन अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचे? तो कोई ना कोई सीन ऐसा बनता था कि जब जरूरत पड़ती कोई नहीं है, मतलब काला चल कपड़े पहन तैयार हो, लेकिन क्या करना है वो वाला रोल करना है फलाना का, अच्छा हाँ चल जा, अरे तो मैं तुम्हें लगता तो नहीं, मूछ लगा दे, मूछ लगा दे, चल चल चल, बस यहाँ पर नाटक गाँव बसेगा, पूरे देश के भांति भांति जगह से कलाकार, उनको ये बात बिल्कुल बाउंसर लगी, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये है क्या। हाँ ठीक है, और तैयार हो गया, आ गया, अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ वो थिएटर की तरह, भगवान सर उन्होंने ऐसे भगवान का देखा कि इन पे कृपा करोगे तो रक्षा चले गए, सद्बुद्धि दो। गुलाबो शिकागो एक बहुत फेमस जो फोक है, ये फोक टेल है लखनऊ की। सर इज हेयर विद अस, एक स्मॉल ब्रीफ, मतलब मुझे लगता है कि वैसे तो कुछ आप किसी भी परिचय के अधीन नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बीएससी किया केमिस्ट्री एंड बायो में, और उसके बाद 17 साल का थिएटर का एक्सपीरियंस, और फिर हम टीवी में, फिर फिल्म में, और आज हम सबके लिए मतलब एक मिसाल की कायम है। तो सर मैं आपसे इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने जो शुरुआत किया, और आप उन एक्टर्स में से नहीं है जो कि प्लान्ड, बिल्कुल प्लानिंग के साथ मुंबई गए और इस आइडिया के साथ गए कि मेरे को फिल्मों में एक्टिंग करनी है, सब कुछ आप तो बस चले गए शॉर्ट फिल्म के कारण और फिर आपकी जर्नी शुरू हो गई। तो सर मैं चाहता हूँ कि वो आप बताएं, क्योंकि बहुत टाइम से मन में है कि किस ऐसा कौन सा समय होता है जब हम एक्चुअली समझ पाते हैं कि अब हम तैयार हैं, क्योंकि हम हर आर्टिस्ट मेहनत करता है, और ऐसा कौन सा समय होता है जब पता चलता है कि हाँ मुंबई आपका इंतजार कर रहा है या अब आप तैयार हैं इंडस्ट्री में जाने के लिए। सर आपकी लाइफ हिस्ट्री देखो, से। ऐसा 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 कुछ नहीं। जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस यही है कि मैं थिएटर कर रहा था और रंगमंच में साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल होते चले गए, होते चले गए, और मैं करता गया। मैंने बोला, पहले भी बोल चुका हूँ, जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था तो एक बहाना था, एक फिल्म के मार्फत ही आया था, मतलब एक फिल्म की शूटिंग हम लोग थिएटर की एक्टिविटीज के साथ साथ लखनऊ में शूट कर रहे थे, फिर उसकी शूटिंग बॉम्बे में हुई तो बॉम्बे आना हुआ, लेकिन वो सिर्फ शूटिंग के पर्पज से आया हुआ था मैं। और उसमें क्योंकि मैंने बताया कि मेरी यहाँ व्यवस्था थी, परमानेंट व्यवस्था नहीं थी रहने की, मैं था यहाँ आपकी जिनको माँ माँ बोलता हूँ, डॉक्टर असलम माँ, बाबर, हाँ जी, है ना। यस यस, हाँ, तो वो फिल्मों के लिए लिखती थी, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं, तो उनको, उनके पास रुका हुआ था मैं, तो उनके उनके छोटे बेटे सिद्धार्थ भी यहीं पे थे, लेकिन संदीपन मथुरा में डायरेक्ट कर रहे थे थिएटर बिल्कुल में, बिल्कुल, और उन्हीं ने वो फिल्म बनाई थी जिसके सहारे मैं यहाँ आया। तो होता क्या था कि मतलब थिएटर आपको इतना जकड़ लेता है, इतना आपको करीब ले आता है कि आप नशा उसको है, छोड़ ही नहीं नशा पाते। है, बिल्कुल बिल्कुल नशा है बिल्कुल, वो। भयंकर वाला नशा है कि वो छोड़ नहीं पाता आपको वो थिएटर। और उसके चलते मैं बीच बीच में, जैसे जब संदीपन से कांटेक्ट में रहता था तो पता लगता था कि हाँ एक प्ले उठा रखा है, हाँ बस यार अब ये हो रहा है, महीने में फोन करो तब भी मतलब वही स्थिति चल रही है, तो फिर बोलते तो आ जाना यार। तो मेरा वो अप डाउन लगा हुआ था, वो आना जाना बराबर लगा हुआ था मेरा मथुरा। फिर मैंने वो प्ले किया घासीराम कोतवाल, उसके बाद चरणदास चोर किया, बहुत सारे प्लेज में इस तरह से करता, पर मेरा तो सर परमानेंट मैं, रुकना नहीं हुआ। उसके उसके बाद फिर 90s में जाकर के करीब करीब जो मेरा किस्सा है वो 1 जून को निकलो और 2 जून को पहुंचो। तो आप बताइए वो 1 जून पे पहुंचोगे तो 2 जून को रोटी मिल जाएगी, तो वो वाली स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, यस तो वो कहानी ऐसी है कि मतलब मैं मथुरा में था, तो मेरे मित्र हैं आशुतोष गर्ग, उनके बड़े भाई साहब ज्ञान प्रकाश गर्ग, वो बॉम्बे में थे, तो शायद उनके साथ भी कुछ इस तरह का बीता होगा, जबकि वो तो परमानेंट जॉब कर रहे थे अपनी। तो उन्होंने मुझको बोला कि काला बाबू एक काम करो, एक टोटका है, एक तरीका है जो मैं तुमको देता हूँ, कि तुम 1 जून की टिकट कराओ, 2 जून को वहां पहुंचो, तो मतलब बशर्त मैं बताता हूँ तुमको, गारंटी देता हूँ कम से कम 2 जून की रोटी तुमको मिलेगी। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने एक एक जून की टिकट मैंने कराई, आई थिंक फ्रंटियर मेल या डीलक्स कोई ट्रेन थी, और
उस दौरान मेरे को काफी मेरे को मौका मिला, काफी चांस मिला मेरे को बॉम्बे आने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने टिकट करा दी है। तो मुझसे कहा यार आपके... वो तो अभी बहुत दूर है, आ जाओ। मैंने कहा ना मैं तभी आऊंगा, और मैं तभी निकला, और बस तब से जो ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। सर मैं इसी से आगे बढ़ना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया थिएटर का आपने जिक्र किया अभी, तो मैंने सुना है कि आपका पहला बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला और आपको 21 रुपए का पुरस्कार मिला था, और नाटक का नाम था नाना दुदुपन। और यस, और उसके बाद फिर तो आपने मतलब खामोश अदालत जारी है, और फिर तो जो आपने घिसाराम और हजारों वो मतलब... जो प्ले था वो प्ले क्या था, वो प्ले क्या था कि मेरे बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे इंटर के, और वो स्कूल प्ले था। हाँ जी। और तब तक मैं थिएटर नहीं ज्वाइन किया था मैंने, तब मैं रेडियो कर रहा था आकाशवाणी। यस सर। तो रेडियो पर छोटे छोटे प्रोग्राम्स करता रहता था। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्टेज का इंटर में, और वो क्योंकि बोर्ड की एग्जाम थी तो आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर था कि मतलब कि एनुअल डे भी है और बहुत मुश्किल से पापा परसों को पेपर भी... है। हाँ, परसों पेपर है और आज एनुअल डे हो रहा है, समझ गया चंपा इंटर कॉलेज में। और उससे पहले आपको रिहर्सल्स पे भी जाना है एग्जाम की, तो मतलब कोई सोच सकता है कि एग्जाम की तैयारी के टाइम पे आप थिएटर की प्ले की रिहर्सल्स भी कर रहे हैं। मतलब हैट्स ऑफ टू यू सर। और पापा को मना लेना वो भी इम्पोर्टेंट था। पापा को मना लेना क्या, पापा को तो मतलब ये है कि सीधे सीधे बोल दिया कि वाह प्रिंसिपल साहब ने बोला हुआ है। अच्छा, तो बोला तुमको मना कर देना चाहिए था। मैंने कहा मेरे को, हाँ मैंने कहा मेरे को तो सेलेक्ट किया उन लोगों ने, तो बोला तुमको तो एक्सपीरियंस भी नहीं है थिएटर का, नाटक का। थिएटर तो मैं पता ही नहीं था कि थिएटर बोलते हैं, नाटक का तो मैं पता ही नहीं है, एबीसीडी नहीं पता तुमको नाटक के बारे में। तो मैंने कहा नहीं पता मेरे को, जो मेरे सर हैं उन्होंने तैयारी करा रहे हैं, वो रिहर्सल करा रहे हैं। तो कुछ दिन की रिहर्सल थी, उसके बाद वो शो हुआ, और मेरे को बेस्ट एक्टर जो है 21 रुपए का पुरस्कार वो प्रिंसिपल साहब की तरफ से दिया गया। तो वो मेरा पहला थिएटर का एक चंक था, मेरी प्रेजेंस थी फर्स्ट टाइम। लेकिन उसके बाद ये ऐसे नहीं कि मैंने उसके बाद लगातार थिएटर चालू कर दिया। इंटरमीडिएट मेरा हुआ, उसके बाद मेरी तैयारी हुई ग्रेजुएशन की, मैं ग्रेजुएशन के लिए लगा हुआ था। लेकिन पापा का यही था कि वो चाहते थे, क्योंकि ही वॉज इन वेटनरी कॉलेज मथुरा, तो वेटनरी कॉलेज में होने की वजह से उनकी इच्छा थी कि मैं कैसे भी करके डॉक्टर बन जाऊं, डंगर डॉक्टर बन जाऊं। लेकिन मेरा पता नहीं स्थिति एक तो होती है कि आप पढ़ाई लिखाई से घबराते हैं, बिल्कुल। मैंने कहा फिर उसकी तैयारी करो। ये एक टेंशन था, तब तक मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सिनेमा में आने का या थिएटर में जाने का। एक इंसिडेंट याद आता है कि आप एनएसडी गए और आपको पता भी नहीं था कि यहाँ पे नाटक सिखाया जाता है, और फिर वहां आप एक फोटोग्राफर से मिले और उन्होंने आपको बोला कि अरे एक्टिंग तो आती है, आने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा वो किस्सा है कि मैं फर्स्ट टाइम जब मैं ये आकाशवाणी में, जब मेरे को ये माँ अचला जी मिली, इनका ग्रुप था स्वास्थ्य रंग मंडल, ये वहां मुझको लेकर के आए, तो वो हुआ। उसके साथ साथ मेरे को ऐसा कोई ज्ञान नहीं था कि नेशनल स्कूल ड्रामा ये आपको तैयार कराता है, मतलब ये कॉलेज है, स्कूल है, कि इसमें भी एडमिशन लिया जाता है। तो उस दौरान हमारे मथुरा शहर के हैं क्या बोलते हैं अनिल चौधरी साहब, वो वहां से निकल के आए थे। तो क्या होता है कि आपको स्कूल से निकलने के बाद आपको अपने प्लेस पे जहाँ के आप रहने वाले हैं वहां थिएटर की एक्टिविटीज आपको करनी होती है। तो वहां उन्होंने वर्कशॉप लिया करके, और वो वर्कशॉप उन्होंने मथुरा में ली, और मेरे को उस बात का पता लगा, मैं गया उस वर्कशॉप लेने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए। और तो क्या था, 25 रुपए 25 रुपीज का उन्होंने एक स्लिप था, वो एंट्री फीस थी, और उस समय 25 रुपए बहुत बड़ी बात थी। 21 रुपए का मुझे पुरस्कार मिला, और ये 25 रुपए जो है मुझको इसमें देने के लिए उन्होंने कहा कि 25 रुपए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी पॉकेट जमा की और मैं वहां चला गया। मैंने 25 रुपए दिया, उन्होंने एक स्लिप काटी, रिसीप्ट दी, और वो रिसीप्ट मेरे को हाथ में थमाई। मैंने उसमें लिखा था एक नंबर। मैंने कहा एक नंबर फर्स्ट, तो मैंने कहा कि अरे सर ये तो मतलब अभी कोई आया ही नहीं। तो रमेश भाई साहब बहुत सीनियर थिएटर आर्टिस्ट थे वहां के, उन्होंने रसीद बना के, उन्होंने कहा कि अरे जा जा चिंता मत कर, तूने बॉनी कराई है तो तू तो निकल गया, तेरी तूने बॉनी कराई, अब देख कैसे दनादन आते हैं। तो मेरे को रोज जाना पड़ा, डेली मैं जाता था पता करने के लिए आज कितने कैंडिडेट आए, आज कितने लोग हैं,
और ऐसे करते 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 वहाँ 97 करीब सप्ताह 97 लोग जो है आ गए, वो सब इकट्ठे हुए, वहाँ एक प्ले तैयार किया गया और गांधी जी की बकरी सरदार दयाल साहब का लिखा हुआ, सक्सेना है, हाँ जी सक्सेना साहब का लिखा हुआ वो प्ले गांधी जी की बकरी, उसमें जो मेन कास्ट थी वो शहर के साथ दिग्गज लोगों की संतान है जिन्होंने मतलब ये फेस्टिवल कराया होगा, जिन्होंने मतलब डोनेशंस वगैरह भी दिए होंगे इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस वर्कशॉप को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने मेन मेन किरदार जो मेन कैरेक्टर्स थे वो डेफिनेटली उन लोगों ने किए। मेरे को एक छोटा सा करेक्टर जो है, अच्छा मेरी पर्सनैलिटी भी ऐसी नहीं थी, मैं दुबला पतला और छहरारा सा लौंडा बिल्कुल, हाँ छोटा सा, हाइट भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, तो उन्होंने ले लिया गनीमत है। और मेरे को युवा ग्रामीण गांव का जो एक युवा की यूथ होता है उसका एक किरदार दिया जो बात बात पे उछल उछल के आ जाता है सामने, कुछ भी प्रॉब्लम होती है। तो जो क्रिटिक्स उस प्ले का जो जब निकला दिनमान में, वहीं का सीनियर हमारे आर्टिस्ट वीरू भाई वीरेंद्र सक्सेना जो कि आज इंडस्ट्री में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट बेटर एक्टर है, वो दिनमान के लिए लिखते थे। तो उन्होंने जब ये राइटअप लिखा तो उसमें जो बेस्ट किरदार थे उनमें मतलब एक मेरा भी नाम था, तो वो कटिंग मैंने पता नहीं काफी समय तक संभाल कर रखी थी। तो उसका जो पहला शो हुआ वो हुआ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ओपन एयर थिएटर। बिल्कुल। तो जब मैं वहां गया तब मैंने वो देखा, मुझे एहसास हुआ, और जैसे कि मैंने बताया कि मुझे एकदम नया नया ताजा ताजा मुझे इस बात का आभास हुआ कि भाई यहाँ पढ़ाई जाती है एक्टिंग, तो एक्टिंग का भी स्कूल होता है, ये सरप्राइज था ना मेरे लिए। घुमा घामा उसके बाद प्ले आज हो गया और अगले दिन जाके मैं थोड़ा सा निरीक्षण करने लगा उसका स्कूल का, वहां के ऑफिस में वहां खड़ा हुआ था मैं तो पीछे से एक आवाज आई, अरे क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो मैंने देखा तो त्यागराजन सिनेमाटोग्राफ अपने ये फोटो स्टिल फोटोग्राफर वो मतलब वहाँ की स्कूल की मैक्सिमम जितने प्लेस वहाँ पे होते थे तो उनकी पिक्स वगैरह वो खींचा करते थे, तो बहुत ही बेहतरीन और कमाल के फोटोग्राफर थे। तो त्याग भाई ने कहा कि मुझसे कि क्या, तो मैंने कहा कि मैं देख रहा था पता कर रहा था यहाँ पर एडमिशन लेने की, मतलब मैं एडमिशन ले लू। तो हंसे भी, तो वो सोच रहे मनी मन की अबे बेवकूफ यहाँ एडमिशन ऐसे नहीं मिलता है ना, इसके लिए और दूसरा तरीका होता है। तो उन्होंने कहा मुझसे क्या करोगे एडमिशन का, तो मैंने कहा कि मैं एडमिशन लूंगा या एक्टिंग सीखूंगा। तो बोले आती तो तुम्हें एक्टिंग, बोले नहीं मैंने कि मैं कायदे से सीखूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हें कायदे से आती है। मैंने कहा है हाँ। तो मैंने कहा कमाल है यार, ये मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं लेने देना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ऐसी कौन सी पॉलिटिक्स है। मुझे मुझे इसमें एक बात याद आ रही है कि मतलब आपने कहीं इंटरव्यू में जिक्र भी किया है कि जो 98 लोग जुड़े वो लोग वापस अपने हाँ, काम में लौट गए, बस आप यही आड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो पहला नंबर था मेरा वही हाँ, वो पहला नंबर रह गया। तो वो बहुत खूब था। तो मुझे वो रमेश भाई की वो बात याद आती है, उन्होंने कहा कि तूने बॉनी कराई जा तेरा तो हो गया सर, क्योंकि आपने मतलब एक्टिंग की है थिएटर के लिए, फिर आप टीवी में भी गए, फिर आपने उसको छोड़ के फिल्म हाँ, किया। तो सर वो जो ट्रांजिशन है मतलब थिएटर से फिल्म टीवी और टीवी से फिल्म, तो वो कैसा रहा, मतलब वो एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा बताएं। तो देखो स्टेप बाय स्टेप होता है वो सारी चीजें, क्योंकि जब हम थिएटर करते हैं तो बहुत लाउड होते हैं अपने आप में ना, कॉन्फिडेंस से भरे हुए कि स्टेज पे आग लगा देंगे, एक इस तरह का आपके अंदर एक जोश होता है सारा का सारा। एक कोई एग्जांपल देखिए जब आप कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। हाँ एग्जांपल ऐसे कि जब मैं टीवी के लिए आया, जब मैं बॉम्बे आया, जब मैंने देखा कि सिनेमा में बिल्कुल मतलब आपको लग रहा है कि आपकी जिस तरह की पर्सनैलिटी है तो आपका हिसाब किताब बनता नहीं है यहाँ पर, तो मैं मायूस नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो ये था कि मतलब कि मेरा तो था ही नहीं एकदम से आना। तो वो जो किस्सा है जो तुमने सुना है कि मतलब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी के लिए ट्राई किया, मैंने रंगमंच आपका वहां के लिए ट्राई किया है ना, श्रीराम रेपर्टरी के लिए, लेकिन वो बात नहीं बन पाई, कैसे ना कैसे करके सब डिसमिस हो गया मामला। तो मैंने कसम खाई बिल्कुल साउथ के एक्टर की तरह पैर रखे सीढ़ियों पे, मैं अब तो मैं बॉम्बे जाऊंगा, और मैं बॉम्बे आ गया, यही 1 जून की 2 जून का सारा किस्सा सुन के है ना। तो ये सारी चीजें जब हुई तो इसके बाद फिर मैंने फाइनली क्या किया कि जब ये बॉम्बे में मैं यहाँ आ गया, और तो ऑल ऑफ सडन तो मेरे को चंदर बहल साहब जो मतलब उस वक्त टीवी के लिए बहुत अच्छा नाम था, तो मैं उनके साथ जुड़ गया,
उनको मैंने असिस्ट किया, मैं उनके बहुत क्लोज हो गया, उनको मैं असिस्ट करता रहा। फिर मेरे को राइटिंग का भी शौक था, तो मैं स्क्रिप्ट भी राइटिंग करता था, वो जो 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 सीन्स बोलते मैं सीन लिखता रहता था। मेरे को कोई परवाह नहीं थी कि मेरे को कब किसमें कितना पैसा मिलता है क्या नहीं मिलता है, मेरे को बस इतना पता था कि मेरा मेरा मतलब पेट भर जाना चाहिए भाई, है ना। तो इस तरह की बिल्कुल चीजें जो है चल रही थी। तब जब मैंने उनके साथ एक्टिंग मुझे आती थी, तो जब मैं असिस्ट भी कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई सीन ऐसा बनता था कि जब जरूरत पड़ती कोई नहीं है तो मतलब काला चल कपड़े पहन तैयार हो, यानी क्या करना है कि वो वाला रोल करना है फलां का, यानी अच्छा हाँ चल जा, अरे तो मैं लगता तो नहीं हूँ, मूंछ लगा देंगे, चल चल चल, और तैयार होके आ गया। अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ वो थिएटर की तरह, समझे, थिएटर की तरह समझ गया मैं। राहुल एकदम ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ओ थिएटर नीचे थोड़ा नीचे देख रहे हैं, बालकनी वाले भी बालकनी देख रहे हैं, फर्स्ट तक क्लास वाले भी देख रहे हैं, है ना। तो ये तो फिर मेरे को जब मैंने अपना ही किया हुआ परफॉर्म किया हुआ सीन जब मैंने टीवी पे देखा, तो मैं खुद ही शर्माने लगा कि मतलब कि अरे इसके तो मैंने 10 गुना ऊपर किया था, अगर इतना टोकते मुझे तो अभी तो कहानी बिगड़ जाती बिल्कुल। तो ये एक क्या है, सारे माध्यम अलग है, थिएटर बिल्कुल अलग है, थिएटर के साथ आप बिल्कुल थिएटर की तरह बिहेव करते हैं वैसे ही परफॉर्म करते हैं। उसके बाद टीवी आया, तो टीवी में क्या है कि फिर भी क्योंकि टीवी का स्क्रीन छोटा होता है मैक्सिमम, बिल्कुल तो उसमें फिर भी मैं लाउड करता था। लेकिन जिस दिन से मैंने सिनेमा ज्वाइन किया, तो ये आपके अंदर धीरे 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 थ्रू एक्सपीरियंस आप ये चीजें समझ जाते हैं कि कब कहाँ किस वजह किस जगह पर आपको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल। तो सर कोई सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि सारे लोग यू देख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि बीइंग एन एक्टर हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू हैंडल रिजेक्शंस। मतलब एक एक्टर को रिजेक्शन हैंडल कर एक एक्टर के लिए हाँ रिजेक्शंस हैंडल करना कितना इंपॉर्टेंट है? देखो रिजेक्शंस रिजेक्शंस नहीं होता है, मतलब वो सिलेक्शन होता है ना, कि आपको लिया नहीं लिया, वो इसका मतलब ये नहीं कि लिया आपको रिजेक्ट कर दिया, ये ऐसी पास फेल वाली अंकगणित नहीं है कि आप फेल हो गए तो आप इसी क्लास में हैं और आपको फिर अगले साल इसी क्लास में रहना है, कोई स्कूल तो है नहीं, कोई क्लास व्लास तो आपको नहीं है, और अगर पास भी हो गए आप तो आप अगली क्लास में चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि अगर बिल्कुल आपको सिलेक्शन आपका हो भी गया तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद आपको लगातार काम मिलने लगेगा, बिल्कुल सही है बात ना। है। तो हाँ, तो ये क्या है कि ये अगर आपका किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपका जिसको आप रिजेक्शन मानते हैं आपका सिलेक्शन उसमें अगर नहीं हुआ, तो ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका नहीं हुआ दूसरे का हुआ, तो यही सीन उसके साथ होगा, ये आपको मिल जाता उसको नहीं मिलता, फिर उसका रिजेक्शन हो जाता आपका सिलेक्शन हो जाता। तो ये स्टेप तो आपको देखना है, देखते रहना पड़ेगा और इसी के थ्रू चलना पड़ेगा आगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पैशन और वो जो है आपको उसे समझना होगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप इसमें कसते जाएंगे कसते जाएंगे कसते जाएंगे और आपके फेस पर जो है वो फ्रस्ट्रेशन नजर आने लगेगा। बिल्कुल एक एक्टर के लिए एक कलाकार के लिए ये फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका फेस ही सामने आता है स्क्रीन पे। तो मेरा मानना है कि मतलब मतलब कि वो नहीं, बात बात पे चिढ़ जाना, बात बात को एरोगेंस हो जाना, आपको जब जब ऑडिशन में कॉल किया जाएगा आप ऑडिशन पे जाओगे तो वो आपका एक एक्सपीरियंस होगा, वो आपका एक प्रैक्टिस होगा। जब भी आप किसी ऑडिशन पे जाते हैं, बिल्कुल ऑडिशन क्या होता है ना, हाँ जब भी आप जाते हैं तो आपको नई स्क्रिप्ट मिलती है, बिल्कुल उसके बाद नए ऑडिशन में गए आपको फिर आपको नई स्क्रिप्ट मिली, आप तैयार करो उसको पैशन से एकदम जुट जाओ बढ़िया तरीके से तैयार, उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ बात अलग है, लेकिन आपको एक किसी प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट मिल रही है आपको पढ़ने के लिए, बहुत उस बड़ी सीन बात है। मिल रहा है, उस सीन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस सीन को आप कैसे तैयार करते हैं ये आपके ऊपर है, उसको जाओ तो आज नहीं हुआ कल नहीं हुआ, कभी ना कभी तो होगा यार, ऐसा थोड़ी होता है, कभी ना कभी तो होगा। मतलब मुझे आपकी जो अप्रोच है ना कि रिजेक्शन नहीं है वो सिलेक्शन है, वो मतलब एक बहुत की हाँ नोट है जो बहुत अच्छा विचार है। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल ये कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं, स्टार एक्टर, मेथड एक्टर, कैरेक्टर एक्टर, मतलब ये जो टर्मिनोलॉजीज है, आपका क्या मानना है मतलब इन सब टर्मिनोलॉजीज के लिए? ये सब हमने बनाई हुई है, ये एक अच्छा कंफर्टेबल जोन बनाने के लिए बनाई हुई है ना, हर एक को परफॉर्मिंग कर, मेरे को मानना है, कई समय बोलते हैं ना अरे वो तो खा गया सामने वाले एक्टर को खा गया,
अच्छा खा गया क्या? मिलते मेरे को मिलते हैं, अरे सर खावा है आप तो आपने एकदम। तो क्या है कि वो अपने आप को एंटरटेन करते हैं इस तरह की टर्मिनोलॉजी डाल के, तो ये मतलब इनका कोई मतलब नहीं है ना इन सब चीजों का, ये एक परिभाषा बना दी। अभी मतलब हमारे सिनेमा को बॉलीवुड बोलते हैं, है ना, अब पता नहीं कब से एकदम से बॉलीवुड आ गया। तो हम भी नहीं तो हम तो बोलते थे कि हाँ हिंदी सिनेमा या फिल्म कर रहे हैं हम, अचानक पता लग गया कि इसको मतलब बॉम्बे न करके इसको बॉलीवुड कह दिया गया है, क्योंकि भारतीय सिनेमा जो है वो बॉलीवुड हो गया। तो एक टर्मिनोलॉजी जो होती है कभी भी किसी बात की वो बना लिया। मेथड एक्टर ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। अब मेथड एक्टर मतलब बंदा जो है आप उसके कमरे में घुस नहीं सकते, वो मेथड एक्टर का एक्टिंग है, क्योंकि उनका अभी सीन शुरू होने वाला है, अभी वो तलवार चलाएंगे, अभी वो तलवारों से दुश्मनों को मार देंगे, है ना, आप उनके पास जाओगे वो देखेंगे कहीं आपको वैसे ही ना मार दें। तो कुछ कुछ कलाकार इसमें चले जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब ऐसा होता नहीं, ऐसे होते हैं जो कि उनको लगता है कि ये एक तरीका है कि आप माहौल क्रिएट करने के लिए, है ना। तो अगर आप उसमें चले गए और वो मेथड एक्टिंग आपकी चल रही है, तो उसके बाद जो है सीन ऑफ हो गया, स्पॉट बॉय सर चाय, तो आप क्या करोगे? चाय लोगे नहीं लोगे उससे, क्या करोगे मतलब ना, क्योंकि आप तो मेथड में है बिल्कुल एकदम समाये हुए हैं। तो मैं तो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला एक्टर हूँ, है ना, क्या बात है। मैं मतलब सीन शुरू होने से पहले मैं एंटरटेन करता हूँ, ये मेरा जीवन है, मैं मस्त रहता हूँ, चकाचक रहता हूँ, और उसके तुरंत बाद जैसे क्या बोलते हैं एक्शन होता है तो मैं उस किरदार में हूँ थोड़ी देर पहले, मैं फालतू की बकवास नहीं करूंगा, अपने मतलब सीन में रहूंगा और उस किरदार में रह करके एकदम परफॉर्म करता रहूंगा। उस दौरान अपने आप जो साथ में कलीग्स हैं, जो को एक्टर है या कैमरा मैन है या स्पॉट पे अपने जितने भी लोग हैं, मैं उनके साथ में कायदे से मतलब एक रिचेबल अपनी वो बना करके डिस्टेंस बना करके अपने को मतलब उस सीन में रखते हुए, ऐसा नहीं कि उस सीन से आउट ऑफ कंसर्न आप बात कर रहे हो पठान कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ इतना होना चाहिए कि आपको कंफर्टेबल अपने आप को भी करना होता है, सामने वाले को भी कंफर्ट करना होता है। आप मेथड में घुसे हुए हैं, सामने वाला एक्टर जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला है, तो आप मेथड एक्टर की तो बिल्कुल लग गई बात, वो बार बार कहता है प्लीज 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 नो जोक यार, नो जोक नो जोक प्लीज नो जोक, अरे जोक कौन कर रहा भाई प्लीज प्लीज, एक बार पांच दिन आया अरे प्लीज प्लीज नो शाउट, अरे भाई कहाँ हो तुम, कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में हो, कहाँ हो, तुम्हें किसी ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, क्या कर दिया, आप माहौल इतना क्रिएट क्यों कर रहे हैं। तो ये होते हैं, लेकिन मैं तो मुझे पसंद नहीं है सब, और मैं भी अनकंफर्टेबल फील होता हूँ ऐसी सिचुएशन में, तो मैं नहीं चाहता कि मतलब कि इस तरह से कभी भी मतलब कैमरे के सामने जाया जाए। बिल्कुल सर। सर मैंने सुना है कि अभी रिसेंटली गुलाबो सिताबो फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन सर ने आपकी एक अदाकारी की तारीफ की, और हाँ। वो एक सीन में मतलब कुछ 6 टेक के बाद उसको ओके कर दिया, फिर लेकिन अमिताभ सर ने रोक के बोला आप अपना स्टाइल बताइए, तो मैं उस स्टाइल को भी जानना चाहूंगा और वो इंसिडेंट को भी जानना चाहूंगा सर। देखो क्या है कि ये पहले दिन ही हुआ जब फर्स्ट टाइम बच्चन सर के साथ मेरा सीन था, हम इससे पहले रिहर्सल्स वगैरह मतलब कर चुके थे, और मेरी मुलाकात उनसे फिल्म की शुरुआत शुरू होने से पहले भी हो चुकी थी, और ऐसा नहीं मैं उनसे उससे पहले भूतना रिटर्न में कर चुका था आपके साथ, बंटी बबली कर चुका था, एक दो एड भी मैंने पहले किए हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब कि इतना बड़ा काम मैंने उनके साथ नहीं किया था जितना बड़ा काम ये था, और वो भी उसका पहला दिन और पहली बार, मतलब एक अप्रोच उनके साथ मेरी थी कि वो भी देखो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं जब भी परफॉर्म करने जाता हूँ सेट पे तो मैं सबसे पहले डायरेक्टर को सुनता हूँ, तो डायरेक्टर जो तौर तरीके बताते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को ढालने की, जो उनको पसंद है मैं वो कर देता हूँ। तो मैंने वो सीन जो भी हमारे 4-5 टेक में वो ओके हो गया बिल्कुल, वो सीनरियो ऐसा है कि मतलब कि मैं मिर्जा के घर में वकील आता है, तो मिर्जा को पता नहीं है कि ये इसको वकील को पता नहीं है कि मिर्जा, वकील को लगता है कि मिर्जा 2-3 कमरे के मकान में रहता होगा बिल्कुल, लेकिन मिर्जा बात कर रहे हैं कि हवेली हवेली हवेली, मैंने कहा 2-3 कमरे को हवेली बोल रहा है ये आदमी, तो उसका निरीक्षण करने के लिए मैं वहां जाता हूँ। तो जब मैं वहां गया तो मैं बहुत चका कि सच में हवेली है ये, मिर्जा की हवेली, मिर्जा यहाँ रहता है, ओह सो नाइस, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वेरी गुड,
आ गए हम। तो वो झल्लाता है मिर्जा, उससे बोलता है कि अरे इनको क्या ले आए, इनको कहा है मतलब बैल की तरह यहाँ ले आए। पहले बैल की तरह क्या होता है, हम आए हैं ऐसा करने के लिए, देख रहे हैं तुमको है। तो वो मैंने जैसा डायरेक्टर ने बोला उनके अकॉर्डिंग मैंने परफॉर्म कर दिया, सीन ओके हो गया। मूविंग ऑन, सुधीर सरकार बोले और हम लोग नए सीन की तैयारी के लिए मूव कर गए। तो पीछे से आवाज आती है, अरे सर सुनिए जरा एक मिनट भाई, आपका तो एक तौर तरीका है डायलॉग अंदाज का बोलने का, एक तौर तरीका है संवाद अदायगी का है, अगर आप जरा उसमें करें तो मुझे लगता है कि बड़ा मजा आएगा। तो मैं मतलब शर्मा सा गया इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतने बड़े कलाकार, जो कि मतलब इन्हें कहां फुर्सत भाई, किसकी क्या अंदाज है, लेकिन कितनी गहराई से, कितने मान्यूट तरीके से उन्होंने आर्टिस्टों को देखा हुआ है, समझा हुआ है, कि वो जानते हैं कि इस कलाकार का भी एक अंदाज है परफॉर्म करने का, एक संवाद की अदायगी है। अब मैं याद करने लगा, क्योंकि मैं तो उस नशे में था कि बच्चन साहब मेरे को पहचानते हैं भाई उसी तरह से, इनको पता है कि मतलब मेरी क्या अदायगी है। तो मेरे को रिकलेक्ट करनी पड़ेगी, अरे तो मैंने जो सीन किया था ये मैंने अपने तरीके से नहीं किया, क्योंकि वो बोल रहे हैं इट मीन्स नहीं क्या होगा। तो अब मेरे को उस तरीके से करना था कि जैसे मैं परफॉर्म करते ही, तो फिर मेरे को याद आया कि मेरा जो तौर तरीका है, मेरा जो संवाद की अदायगी है वो बड़ी फास्ट है। ऑडियंस को डायलॉग तो समझ में आता है, लेकिन शब्द कम समझ में आते हैं, क्योंकि मैं इतना फास्ट बोल लेता हूँ। फिर मैंने देखा उनकी तरफ, सुरेश बोले हाँ हाँ करते हैं करते हैं, तो फिर गया, फिर मेरे को अपने आप को तोड़ना पड़ा उस जोन को, और फिर मैं तैयार करके आया वापस, फिर मैंने देखा यूं करके हाँ, अरे वाह क्या कमाल की बात है, तो हद हो गई ना, गुड वेरी गुड, अरे बांध के गए बहना गया, हम तो बांध गए, आए हम यहाँ पे देखने के लिए, शाबाश यहाँ पर ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, वेरी गुड, ठीक है मैं नोट कर लेता हूँ। और उसको क्या, फिर वो देख के मुस्कुराए, बोले हाँ तो क्या होता है कि वो इतने बड़े कलाकार हैं, और उनके साथ भी बहुत होता है, उन्होंने इतना सारा काम किया हुआ है, वो जो डायरेक्टर बताते हैं वो उनको करते आए हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास है कि एक्टर का कंफर्टेबल जोन क्या है। बिल्कुल, एक्टर का कंफर्टेबल जोन वही है जिसमें वो अपना काम करता आया है। तो उन्होंने सोचा होगा कि अभी ये जो इन्होंने किया है, ये डायरेक्टर की पसंद से उन्होंने इस तरह के संवाद अदायगी दी है, तो एक बार जरा इनसे पूछ लिया जाए, भाई तुम्हारा भी तो एक स्टाइल है, एक बार जरा उसमें, वो भूल गए क्या, घर छोड़ के आ गए उसको, तो जरा उसमें भी एक बात करके दिखा दो क्या बात है। मतलब क्वेश्चन है सर, उसके अंदर ना शुरुआत होती है पपेट्री से, मतलब गुलाबो सिताबो आई थिंक वो पपेट्री से शुरू करते हैं, और एंडिंग में भी वो मतलब पपेट्री दिखाते हैं, तो उसका क्या लॉजिक था, अगर मतलब थोड़ा समझ नहीं आया वो। देखो बताऊं तुमको मैं, गुलाबो सिताबो एक बहुत फेमस जो फोक है, ये फोक टेल है बिल्कुल लखनऊ की, और ये कठपुतली की कहानी है एक्चुअल में। गुलाबो, एक गुलाबो एक सिताबो, जो दो कठपुतलियां हैं वो गुलाबो सिताबो है, उन 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 दोनों में नोक झोंक चलती रहती है। अच्छा, तो पिक्चर की जब स्टार्टिंग होती है तो वहां से होती है, तो बेगम और उनमें, हाँ तो बेगम और नहीं मतलब गुलाबो, ये मतलब किसी को भी समझ लो आप, बेगम मिर्जा या मिर्जा और जो मतलब आयुष्मान वाला जो करेक्टर है, आयुष्मान वाला करेक्टर है, यस हाँ, तो मतलब मकान मालिक किराएदार, तो दोनों गुलाबो सिताबो हैं वो लोग, वो नोकझोंक चल रही है उनमें। तो जब फिल्म की स्टार्टिंग थी तो उसमें जो गुलाबो सिताबो का जो मूड था वो फिल्म के अकॉर्डिंग था, उनके करेक्टर के अकॉर्डिंग था। उसके बाद जैसे ही एंड हुआ, तो एंड जिस तरह से हुआ, तो फिर पपेट्री का एंड भी उसी तरह से होता है। क्या बात है, बहुत खूब। तो शुरू में उन्होंने गुलाबो सिताबो इन्वॉल्वमेंट दिखाया कठपुतली के सहारे, और फिल्म के एंड में भी फिर उसको इन्वॉल्व किया उन्होंने, कि गुलाबो सिताबो बिल्कुल अब इंग्लिश मीडियम में चली गई। वो सर बहुत अच्छा था, और मुझे वो नैरेटिव बहुत अच्छा लगा कि अरे यार बेगम, वो गुब्बारा लेके जा रहे हैं, हैं? वो लास्ट में तुमने क्या देखा? तो आयुष्मान सर का जो रिएक्शन है, मतलब ऐसा मेरी जवानी देखी और क्या जवानी, वो ये नहीं देख रहे उस समय की बात हो रही है जब वो दीवार में थे। खूब सर, एक अभी ये
मतलब क्योंकि मुझे लगता है थिएटर की बात करने के लिए आपसे ज्यादा खास इंसान कोई नहीं हो सकता, बिकॉज थिएटर के साथ आपका बहुत रिश्ता है। आपने आपने ऐसा एक बार बताया कि आप जब थिएटर कर रहे थे और जब आप फिल्मों में नहीं आए थे, तब आपका एक सपना था कि नाट्य गांव इन वृंदावन, और उसके बारे में मतलब हम जानना चाहते हैं कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है या अभी वो मतलब कुछ और चीज बदल गई है, मतलब क्या है वो? नहीं देखो क्या कि एक्चुअली क्या है ना कि जब हम लोग क्योंकि स्मॉल टाउन मथुरा में मैं रहता था और वो सब हालात के सारे दूसरे थे, अब दूसरे थे वो मतलब वो सब एक्चुअली क्या है ना कि वो बचपन की आई थिंक थोड़ी सी वो बचकानी सी हरकतें थी उस तरह की कि मैं और संदीपन जो मेरे थिएटर के साथ मेरे मित्र संदीपन जो कि मोस्टली डायरेक्ट किया करते थे, संदीपन अभी इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका भी ख्वाब वही था कि एक नाट्य गांव बसाया जाए। तो हम जो सीनियर लड़के अपने ग्रुप में थे जो कि थिएटर की एक्टिविटीज में बिल्कुल इन्वॉल्व रहते थे बिल्कुल, तो जो जूनियर थे हमारे साथ में जो लड़के जिन्होंने नया नया थिएटर सीखा था उनको उनके घर पर डांट पड़ती थी, डांट हमको भी पड़ती थी, लेकिन वो बेचारे बच्चे जो है वो डांट खाते रहते थे और शाम को कभी लेट आ रहे हैं कभी कैसे हो रहे हैं, आज बाऊजी ने डांट दिया, आज माँ ने डांट दिया, आज मैं ऐसे छुप के आया, कल मैं ऐसे छुप के आया, तो इस तरह की कहानियां होती रहती थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि मतलब कि हम लोग भी एक नाट्य फेस्टिवल करने जा रहे थे और ये हमने सुना था जो हमारे सीनियर मोस्ट भाटिया साहब जो मतलब हमारे ग्रुप के प्रेसिडेंट थे वो बैठ के बात करते थे, तो ये एक सतरंगी सपने की तरह हम लोग बैठ करके ख्वाब देखा करते थे कि मथुरा वृंदावन के बीच में एक जमीन होगी, वहां पर एक नाट्य गांव बसाया जाएगा, वहां बिल्कुल भांति भांति के पूरे देश के कलाकार वहां पे रहेंगे और वहां पे मंच होगा और वहां तैयारी होगी और लोग दूर दूर से वहां मंच देखने के लिए मंचन देखने के लिए प्लेस होते रहेंगे और उस प्ले की खासियत क्योंकि ब्रज भाषा में हुआ करेंगे, कुछ जो गेस्ट बाहर से लेके आएंगे वो अपनी परफॉर्मेंस अपने तरीके से करेंगे लेकिन हमारे हमारा जो प्लस पॉइंट होगा वो यही होगा कि ब्रज भाषा में बिल्कुल म्यूजिकल तरीके से हम लोग उस नाट्य गांव को बसाएंगे। क्या बात है। और यही सोच करके हमने जो है वो तैयारी की और उस तैयारी में हुआ ये कि वो तैयारी तो नहीं हो पाई लेकिन हाँ एक बहाना हो गया अपने आप को बचाने का कि मतलब मेरे मित्र के फादर जब हम कलेक्शन के लिए जा रहे थे हम क्या करें सोवनियर निकाले थे नाटक के और अच्छा। उसमें एड निकालने थे हमको तो उसमें 500 रुपए 1000 रुपए 1500 रुपए कलेक्शन करते थे, कुछ टिकटें देते थे उनको और उनका एड अपने सोवनियर में और मनमोहन सिंह जी के स्टाइल में आप साइन करते थे और आपके पिताजी आपको घूम घूम के देखते थे। हाँ वो बिल्कुल एकदम वो भी एक कमाल था अपने आप में क्योंकि 2-3 जनों के साइन होते थे जब टिकट हमारी तैयार होती थी। तो पहले वो बात कंप्लीट कर दूं मैं, तो जो युवा लड़का था एक हमारे यहाँ थिएटर में इन्वॉल्व हुए थे आशुतोष गर्ग जिनके भाई ने मुझको बताया कि 1 जून में जाइए 2 जून को पहुंचिए, तो उनके फादर अच्छा वो प्रिंसिपल थे चंपा इंटर कॉलेज के और उन्होंने जो है हमको देखा वो रिक्शे में जा रहे थे तो उन्होंने मेरे को और संदीपन को देखा, अरे नागर काला अरे सुनो भाई रुको, अब हमारी तो हालत खराब कि आशु के फादर जो है वो हमको मिल गए हैं, अब पता नहीं क्या डांट पिलाएंगे हमको और यही कहेंगे कि हमका लौंडा गायब रहता घर से तुम लोगों के चक्कर में पड़ गया है। अब हमको डांट सुनने के लिए हम बिल्कुल तैयार थे, जैसे हम रिक्शे के पास गए हमने पैर वैर छुए उनके तो उन्होंने देखा बेटा क्या कर रहे हो कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा कलेक्शन कर रहे हैं अंकल जी फेस्टिवल है ना ड्रामा फेस्टिवल तो उसके लिए कलेक्शन हो, अच्छा 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 तो फिर और क्या करोगे आगे, तो हमने कहा नाटक, नहीं नहीं वो तो ठीक है पर आगे करोगे क्या, हमने कहा जी नाटक करेंगे, ना रे मेरा कहने का मतलब तुम खाओगे कैसे, अब हम एक दूसरे का मुंह देखने का, हमने कहा यही नाटक से और नाटक से खा लोगे, हाँ कैसे खा लोगे नाटक से, अभी तुम झोला लिए घूम रहे हो कलेक्शन करने के लिए तो नाटक से तुम कैसे खा लोगे, तो एकदम से एक ख्याल आया ऐसी घुमा के कि हमारी बातचीत चल रही थी एक नाट्य गांव बसाना, वो नाट्य गांव बसाएंगे हम, तो बोले नाट्य गांव कहाँ बसेगा, हमने कहा मथुरा वृंदावन की रोड पे वहां पर एक जमीन ले लेंगे, बोले कौन देगा जमीन, मैं सरकार, सरकार से बातचीत चल रही है वो जमीन दिलवाएंगे, भाटिया जी से भैया जी कह रहे थे वो बातचीत चल रही है, बस वहां पर नाट्य गांव बसेगा, पूरे देश के भांति भांति जगह से कलाकार, उनको ये बात बिल्कुल बाउंसर लगी, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये है क्या, ठीक है भगवान से उन्होंने ऐसे भगवान का देखा कि इन पे कृपा करो इनको रक्षा सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि चले गए सद्बुद्धि दो तो ऐसी जब नाटक की वो जो बुकलेट थी उस टिकट पे
तीन लोग के साइन होते थे, प्रेसिडेंट के साइन होते थे और आपके क्या बोलते हैं ट्रेजरर के साइन होते थे, सेक्रेटरी के साइन होते थे। आप तो मैं ट्रेजरर, हाँ तो वो था। तो घर में इतनी बड़ी गड्डी रखी हुई थी और मैं साइन करता था, तो पापा ने देखा कि 50 रुपए की टिकट पे, 100 रुपए की टिकट पे, 200 रुपए की टिकट पे लौंडा साइन कर रहा है, तो मेरे साइन हो रहे थे। तो पापा ने ऐसा आवाज दिया, तो पापा तो मेरी माँ को बुलाया, तो मेरी मम्मी आई, बोली बोले हाँ क्या मनमोहन सिंह। तो देखा उन्होंने कि मतलब केस साइन कर रहा है, बोला नोट इनके बिना जारी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ऐसी यादगारें हैं जो कि मतलब अमिट हैं, जो आपके जीवन में जिन्होंने आगे बढ़ाया है, इन्हीं यादों में सारे जीते रहते हैं आप और एंटरटेन होते रहते हैं। हमारी मतलब आज ये यादें हमारे साथ भी जुड़ रही है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो नेपोटिज्म, I'm sorry sir, I was not willing to answer, put this question because I was like this is the most cliche question going on. Nepotism जो है ना वो आपको कहना चाहिए कि प्राकृतिक आपदा है। Superb sir, superb, amazing, hats off to you. प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा है, कौन अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेगा? True, very true. तो सर मैं इसके ऊपर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, मीडिया जो है वो नेपोटिज्म पे काफी सवाल पूछती है, और वही मीडिया फिर वो जो नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स हैं उनका पब्लिसिटी करती है और उनको ही कहने का छोड़ती है, तो आप उन मीडिया वालों पे कुछ कहना चाहेंगे? देखो मीडिया क्या है ना, मीडिया हालात की मारी हुई है, और अभी जब मैं शुरू जब तक मैं इस इंडस्ट्री में आया नहीं था, तो मुझको ये लगता था कि मतलब कि आप अगर सफल हैं, आप अगर टैलेंटेड हैं, तो आपके बारे में कोई भी छापेगा। बिल्कुल। लेकिन जब मैं आ गया, जब काम होता गया, सब कुछ नहीं छप रहे हैं, तो पता लगा कि यहाँ तो आपको पीआर हायर करना पड़ता है, आपको अपना खुद का पीआर होता है, आपका पूरा डिपार्टमेंट होता है, इसमें तो लाखों जाते हैं। वेरी ट्रू, समझे? तो मतलब कुछ भी कहना बेकार है। एक क्वेश्चन येन सेठी की तरफ से आया, ही इज आस्किंग इज आर्ट रिमेनिंग इन मूवीज और इज इट जस्ट अ मनी मेकिंग मशीन। शैल आई रिपीट द क्वेश्चन? नहीं नहीं, क्या है, अभी हम थिएटर क्यों नहीं करते? क्योंकि थिएटर में पैसा नहीं है, थिएटर आपका घर परिवार नहीं चला सकता। बिल्कुल है ना। तो मैं रेपर्टरी करने के लिए इसीलिए जा रहा था कि वहां एक मनी बनाई तनखा मिलती है। बिल्कुल। तो कल को अगर मैं वहां पे फिक्स हो जाता हूँ, है ना, अभी सिनेमा क्या है कि वो दो तरीके से बनता ही है। एक 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 सिनेमा होता है जो कि मतलब आपका स्क्रिप्ट ओरिएंटेड होता है पूरा का पूरा, जिसमें कहानी होती है, जिसमें कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता है। अब कुछ सिर्फ मनी वाइज होती है कि मतलब कि पैसा लगा दिया उसमें और खूब एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो वो आपको दिखती है, वो पिक्चरें भी दिखती है। कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें जो पैसा लगता है तो वो जेन्युइनली आपको लगता है कि अगर ये पैसा इतना नहीं लगता तो फिल्म ऐसी नहीं बनती। अभी अब हम बाहुबली देखते हैं, उसमें अगर बहुत खर्चा हुआ है तो उसका यूज सेटअप आपको नजर आता है ना, फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि ये वर्थलेस है कि है ना। सर लुकांशा इज आस्किंग, सर डू यू गेट योर वेयर डू यू गेट योर इंस्पिरेशन व्हेन राइटिंग screenwriting? Sir, where do you get your inspiration when screenwriting? Yeah. Screenwriting का देखो क्या है कि screenwriting भी मैं थिएटर से किया था मैंने। बिल्कुल। सबसे पहले रेडियो में लिखा, जब मैं रेडियो के लिए लिखता था कुछ 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 कहानियां, कुछ गीत इस तरह से, और उसके बाद प्लेज भी लिखे मैंने, देन स्टेज। जब थिएटर के लिए मैंने किया तो सबसे पहले मैंने लिखा था हरिशंकर परसाई जी का प्ले है एक, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, वो 1.5-2 पन्ने की एक कहानी है, उसको मैंने फुल लेंथ प्ले बनाया, वो मैंने पहला लिखा हुआ है शुरुआती, उसमें एक मैंने फर्स्ट क्लास मीटिंग रूम पहले लिखा था, उसके बाद फिर ये इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई जी राइटिंग, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, उनसे इंस्पिरेशन है। शरद चंद जी हैं, उनसे बहुत इंस्पिरेशन है कि लाइवली लिखते हैं वो, किसी भी समय जो उनकी राइटिंग है वो हर समय चलेगी।
बिल्कुल उनका लिखने का जो स्टाइल है वो कोई भी युग हो, किसी भी समय, वो समय की बिल्कुल प्रेजेंट टाइम का लगेगा। बिल्कुल इस सर, तरह की स्क्रिप्टिंग है उनकी। आप इरफान सर के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, और संजय हाँ मिश्रा सर, इरफान सर, और आप सबका एक ग्रुप था, और फिर धीरे धीरे आप लोग सब अपने अपने एरियाज में गए। तो इरफान सर के साथ कैसा आपका रिलेशन, और क्या कोई मेमोरी जो आपके साथ हमेशा रहेगी? भाई, जो मेमोरी है वो वही वही मेमोरी है जो हम लोगों ने अपने, ऐसा जिसको हम कोई स्ट्रगल इंसिडेंट? टाइम बोल देते हैं, है अच्छा, ना, बिल्कुल। जिसे हम स्ट्रगल टाइम कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में मैं स्ट्रगल टाइम क्या बोलना चाहिए, कि वो एक खोज होती है, वो आपकी एक तपस्या होती है, जिसके लिए आप अपने अपनी फील्ड पे जब आप मूव करते हो, वो कोई भी करता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो हर एक के लिए होता है। तो वो ये दौर था, क्योंकि उस समय हमारे पास काम कम था और फालतू समय ज्यादा था, क्रिकेट खेलना शाम के वक्त में, है ना, पार्टी वार्टी हो रही है, मस्तियां हो रही हैं, तफरी हो रही है, पतंगबाजी हो रही है। तो ये सब जो दौर था उस टाइम पे, रात को फिर बैठ करके डिस्कशन होते थे, स्क्रिप्ट पे काम होता था, क्योंकि हमारा ग्रुप ही इस तरह का था। तिग्मांशु डायरेक्टर थे, इरफान, बिल्कुल मैं, संजय और भी बहुत सारे लोग एक्टर हैं, कोई प्रोडक्शन को हैंडल करता था, कोई कुछ कर रहा है। तो वो पूरी डिजाइनिंग, उस तरह की बातचीत हासिल भी इसी तरह से बनी है, हासिल फिर, है ना। तो ये, और जो हम लोग मतलब उस वक्त उस टाइम पर टीवी के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हमने, बेस्ट सेलर्स वगैरह किए, स्टार बेस्ट सेलर्स। बिल्कुल तो और इरफान डायरेक्शन में भी उनका बड़ा हाथ साफ था, तो उन्होंने डायरेक्ट भी सुना। किया था जो मैंने लिखा था बीडी के लिए, एक 1 आवर्स मतलब 45 मिनट की कहानी थी, वो भी क्या उन्होंने की बात थी। है, और सबसे कमाल की बात इरफान की यही थी कि वो जितना संजीदा, जितना अच्छा वो अभिनेता था, उससे कई गुना इंसान, बहुत सॉफ्ट बिल्कुल सर, हार्टेड, बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि अपने आप को उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो एक्चुअल में है क्या। और डेफिनेटली मतलब उस बंदे ने कभी फील ही नहीं कराया कि वो है क्या, वो कितना बड़ा कलाकार है, कितना कहाँ पहुंच गया, उन्होंने कितनी सक्सेस हासिल हासिल की। तो उस सक्सेस का उनके अंदर कभी ना कभी गुरूर आया, ना कुछ ऐसा देखा गया। यारी दोस्ती उन्होंने पूरी कायदे से, जैसे कहते हैं, वो निभाई उन्होंने पूरी पूरी। लास्ट फिल्म मैंने उनके साथ ये करीब करीब सिंगल की थी बीकानेर में, वो होल नाइट शूट था मेरा। और जिसे होता ना कि उनको चिंता भी थी कि अरे यार तुम एक दिन के लिए, पता उसे यार कुछ था ही। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा सुतपा ने मुझे फोन किया, मैं आ गया भाई, तुम हो। तो ये एक बहाना होता है मिलने का। और तो नेचुरली मतलब कभी कभी, एक दफे मेरे एक दोस्त ने, किसी ने कहा भी कि मतलब एक एक दो सीन जब आज की तारीख में हम लोग करते हैं, तो वो अपने उसमें करते हैं, अपने संबंधों को लेकर के करते। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सर। सुमेश एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर, मैंने नोटिस किया है कि आपका कोई भी किरदार मिले, आप एक्टिंग अपने लहजे और अपने अंदाज में करते हैं, और ये जरूरी है कि किरदार कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही बोलना, लहजा और अंदाज होना चाहिए, ये उनका प्रश्न है। हाँ, मतलब कैरेक्टर जो है वो आप समझ लो, उसको अपने मन में बसाओ। और एक्चुअल में क्या है कि परफॉर्मर जो एक्टर है, जो आर्टिस्ट है, वो उसको करेगा अपने तरीके से। और यही मैं करता हूँ अक्सर, मैं बोल भी चुका हूँ कई बार कि जो कुछ भी देखते हो स्क्रीन पर, तो उसमें से करीब करीब समझो कि 50%, जैसे अभी 2-3 फिल्में हैं, जैसे पान सिंह तोमर हुई, या अभी लेटेस्ट गुलाबो सिताबो है, अगर इसको अगर आप छोड़ दें, तो मैक्सिमम जो भी स्क्रिप्ट मेरे लिए लिखी गई है, उसमें कम से कम मैंने मैंने बहुत अपना दिया है, बिल्कुल मैंने बहुत कुछ अपनी तरफ से दिया हुआ है, लगता है जो भी सर, वो नजर आता स्क्रीन है पे उसमें मेरा। दिखता है। अब हाँ, तो सर, लास्ट एक सर, कंक्लूडिंग लाइन आप ही की तरफ से, कि आप कुछ हमारे ऑडियंस को कहना चाहें उनके लिए, करियर के लिए, या वो किस तरीके से, भी आप इतना एक्सपीरियंस, इतने फ्लेवर्स देखकर आए हैं। बिल्कुल देखो क्या है कि हर कोई कहता है कि जो भी चीज है वो वक्त पे आती है, ये और ये इसलिए नहीं बोला जाता कि आपने टाल दिया कि आप पलंग बिल्कुल पे लेट गए, सो गए, जो भी होना होगा वक्त पे होगा। वक्त पे उठना होता है, वक्त पे ये जागना होता है, वक्त पे सोना होता है। तो जो सही वक्त है, जो काम का भी जो वक्त है, वो तभी आएगा जब आप वक्त की कदर करोगे और वक्त के साथ साथ चलोगे, उसका पीछा करोगे, देखोगे इधर उधर, चौकन्ना रखोगे अपने आप को। और अभी आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं कोरोना वाली कांड में,
तो इसने किसी भी वक्त को जो है सब पीछे छोड़ दिया है, अभी तो बस यही वक्त चल रहा है कि हम इससे निजात पाएं, इससे हम कैसे बाहर निकले, इससे जब बाहर निकलेंगे तब जाकर के हमको कुछ एक नई दुनिया देखने को मिलेगी और फिर हम सोचें कि आगे हमको करना क्या है। इसलिए बस अपना हौसला बनाए रखें और हौसला बनाए रखने के लिए अच्छी अच्छी फिल्में देखें, म्यूजिक सुनें, बढ़िया खाना बनाएं, एंटरटेन करें, कोशिश करें कि मतलब आपकी वजह से सामने वाला खुश रहे, तो आपको खुद ही मतलब मजा आएगा, है ना। और क्योंकि अभी लॉकडाउन वाली सिचुएशन है, आपको बाहर तो निकलना ही है क्योंकि बिना निकले आप कुछ होगा नहीं, है ना। तो वही कि सामने वाला कब आपकी गाड़ी ठोक दे, इस बात को ध्यान रखो। आप तो ठीक चल रहे हो लेकिन उसका पता नहीं, तो यही जो है यहाँ भी अपनाओ, आप अपना ख्याल रखो, सामने वाले का ख्याल रखो, वही मतलब सब चीजें मतलब मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, जो जो भी हथियार हैं अब हमारे पास मोबाइल के अलावा, तो ये लेके अब हमको निकलना पड़ता है। इनका ध्यान रखें और बिल्कुल चेयर अप, हमेशा मुस्कुराते रहें। यस सर, ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, और बहुत प्यार आपको सबकी तरफ से, सब आपको आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं वी लव यू सर, और कुछ लोगों का कहना है कि सर अमेजिंग सेशन, ऐसे सेशन हम आपसे आगे भी चाहेंगे सर, कुछ कह रहे हैं ग्रेट सर, बहुत ऐसे व्यूज हैं, सबको थैंक यू सर की तरफ से, एंड सबको थैंक यू, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार मेरा, सबको नमस्कार। All right guys, so me and Vijendra Sitala sir is signing off, and thank you very much.